हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एपिसोड 18 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए वेरियस टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। शुरू करते हैं जैनिज्म से। जैनिज्म, जैन जो ट्रेडिशन है वो एक तरह से चेन है टीचर्स की। उन टीचर्स को कहा जाता है तीर्थंकर। तो सबसे पहले टीचर यानी कि वन ऑफ दी जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म में, वो थे ऋषभनाथ। ठीक है, तो लास्ट थे हमारे महावीर, जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वर्धमान महावीर। पहले तो ऋषभनाथ। ऋषभनाथ का सिंपल सिंबल है बुल, ऋषभ। अगर आपने हिंदी आप जानते हैं थोड़ी बहुत, को आपको पता होगा ऋषभ का मतलब, वृषभ का मतलब होता है बुल। ठीक है, तो जब भी इनके टेंपल आप देखेंगे, जैनी के जब भी टेंपल देखेंगे तो उनके बुल का साइन आपको ज़रूर दिखेगा। तो ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर थे उनका सिंबल है, महावीर के लोयन सिंबल है। ठीक है, याद रखिएगा। 23rd तीर्थंकर पहले कौन थे? ऋषभनाथ। 23rd कौन से? पार्श्वनाथ। इनका सिंबल था सरपेंट, सांप, याद रखिएगा। और 24th अपने वर्धमान महावीर हो ही गए। तो जैन ट्रेडिशन बुद्धिज्म से बहुत पुराना है। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं वैदिक एज तक से हैं, लेकिन क्योंकि देखो 24 टीचर अब फेमस हुआ महावीर की वजह से, ये चीज़ एक्सेप्ट करो, लेकिन 24 तीर्थंकर की जो चेन थी वो बहुत पहले से शुरू है। ठीक है, तो जैनिज्म का जो उदय है वो तो बहुत पहले से ही हो गया था। तीर्थंकर क्षत्रिय थे, हमारे जो वर्धमान महावीर हैं वे क्षत्रिय ही थे, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर की बात करते हैं, 24 तीर्थंकर हैं और 540 BC में जन्मे थे। जन्म स्थान कुंदग्रामा था, वैशाली के पास, और जनत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय थे, क्लैन जनत्रिका थी। मगध की रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे, पिताजी सिद्धार्थ उस क्षत्रिय क्लैन जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। माँ त्रिशाला, बहन थी वैशाली के राजा चेतका की। तो पिताजी भी राजा, माँ भी राजकुमारी। ठीक है, तो कनेक्टेड काफ़ी था, इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। 30 साल की उम्र में घर छोड़ के सन्यासी बनने चले, और जैसा कि मैंने बताया राजाओं से कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो इनका कनेक्शन राजाओं से जब हुआ तो इनकी अथॉरिटी भी बढ़ती चली गई, यानी कि इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इनका होता चला गया। 12 साल तक यूँ ही जंगल में घूमते रहे, और कहा जाता है कि कपड़े भी नहीं बदले इन्होंने, फिर एक साथ सारे कपड़े उतार दिए थे। तो जो महावीर हैं वे आपको बिना कपड़ों के ही दिखेंगे, तो मतलब सारे कपड़े उतार देते हैं इन्होंने। ठीक है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको मिली कैवल्या। ठीक है, कैवल्या, नॉर्मली आप बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बुद्धा को भी जब हाईएस्ट नॉलेज मिली तो निर्वाणा कहते हैं उनको, इनलाइटमेंट। महावीर को मिला कैवल्य, यानी कि उनको सुख दुख उन्होंने सब कॉन्क्वायर कर लिया, और 42 ईयर्स की उम्र में उन्होंने जो है कैवल्य को प्राप्त कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन का, किस तरीके से उन्होंने 12 साल तक घूम घूम के ये सब किया, और 42 साल के जब वे हो गए तो उनको कैवल्य मिल गया। इंसान जब कुछ पा लेता है तो ज़रूरी होता है कि वो लोगों में भी उसे बांटे। इससे इंसान के पास जो होता है वो ख़त्म ही नहीं बल्कि बढ़ता चला जाता है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा अप्लाई जो होती है नॉलेज पे होती है। वर्धमान महावीर ने कैवल्य प्राप्त होने के बाद सबसे पहला ज्ञान से मतलब सरमन, पहला सरमन प्रवचन कहाँ दिया? पावा में। सिंबल क्या है? लोयन। जगह जगह गए, कौशल, मगध, मिथिला, चंपा। मगध तो इनकी माँ थी। अच्छा, वो मगध जो था, ये याद रखिएगा कि मगध में ये रहते थे, रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे, और वैशाली की राजकुमारी इनकी माँ थी। ठीक है, ये वैशाली की राजकुमारी इनकी माँ थी, याद रखिएगा। 72 ईयर्स की एज में ये चले गए, और पावापुरी बिहार में ये चले गए थे। तो जन्म कहाँ हुआ था? कुंदग्राम में। और चल कहाँ? पावापुरी में। ठीक है, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म बढ़ा क्यों? वजह होगी ना कुछ तो भाई। अब तक आप देखोगे कि जो ब्राह्मणिज्म था वो अपनी चरम सीमा पे था, तो कॉजेज कहते हैं कि जैनिज्म में बढ़ गए। और आप सबको पता है कि जैनिज्म जो है उसने ब्राह्मणिज्म वेदास को सबको रिजेक्ट किया था। देखिए, वैदिक रिलीजन रिचुअलिस्टिक बन गया था, रिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे,
तो ब्राह्मण की इंपोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और इसकी वजह से क्षत्रिय जो थे वो खुद भी डरने लगे थे या फिर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे थे। और मैंने आपको बताया वर्तमान महावीर भी क्षत्रिय थे, तो कहीं ना कहीं एक अपोजिशन खड़ा होना शुरू हो गया था लेटर वैदिक एज के बाद ही, जब उपनिषद वगैरह आए थे, जब मैं आपको पढ़ रहा था, जब मैंने आपको बताया था। जैनिज्म जो है वो पाली और संस्कृत में पढ़ाई जाती है, मोस्टली इनकी लिटरेचर पाली और संस्कृत में ही है, और कॉमन मैन के साथ समझ में आए इसीलिए, लिखने में तो संस्कृत में भी लिखी जा सकती थी जैसे वेदास है, पर पाली और प्रकृत कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, सारी कास्ट पढ़ सकती थी। और एक वजह ये थी कि जैनिज्म जो था वो सबको एक्सेप्टेड था, शूद्र वर्ण क्षत्रिय तो थे ही वर्तमान महावीर, ब्राह्मण जो थे वे इनके अपोज हो गए थे, कर भी सकते थे लेकिन आ सकते जैनिज्म, और जो वैश्य थे वो तो इनको समर्थन करते ही थे, क्योंकि जैनिज्म किसकी बात करते थे कि लड़ाई मत करो, नॉन वायलेंस पे रहो, नॉन वायलेंस से क्या बढ़ता है व्यापार, और व्यापार कौन करते थे वैश्य, तो मजा किसको आ रहा है वैश्य, ये बात है ठीक है। तो वर्ण सिस्टम जो है वो थोड़ा सा उस टाइम रिजिडफाइड हो गया था, कास्ट बहुत जो है ज़्यादा रिजिड हो गई थी, लोअर जो कास्ट थी शूद्र वगैरह इनको तो बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। जैन आए मर्दवान महावीर जैनिज्म, उन्होंने जैनिज्म आया, उन्होंने कहा कि आओ तुम हमारे पास आओ, कोई भी दिक्कत तुमको नहीं आने दी। 2000 साल बाद जब महावीर की मृत्यु के 2000 साल बाद भी फेमाइन आया गंगा वैली में, तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु कर्नाटका चले गए, तो वहाँ पे साउथर्न इंडिया में जैनिज्म फैल गया। तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनिज्म के पैट्रॉन थे, पढ़ेंगे मौर्य भी हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक, अभी तो इतना याद रखिए। भद्रबाहु कर्नाटका लेके चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, यहाँ पे रुक गए थे नॉर्दर्न इंडिया में स्थूलभद्रा, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले समझिए जैनिज्म क्या कहते हैं, बिलीफ इन गॉड, भगवान पे विश्वास करो, मतलब भगवान है लेकिन जिना से नीचे हैं, जिन मतलब कौन, महावीर से नीचे। और बुद्धिज्म अलग है, बुद्धिज्म में पढ़ेंगे हम, बुद्धिज्म जो था वो कहता था भगवान तो नहीं है और सोल भी नहीं है, भगवान के बारे में तो सोचते ही नहीं थे वो, बात करते थे सोल की, तो सोल तो वो साफ रिजेक्ट करते थे, सोल नहीं है। लेकिन जैनिज्म क्या कहता था, भगवान है आत्मा भी है, हर आदमी में आत्मा है। वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं करते थे साफ साफ कि गलत है वर्णा सिस्टम, नहीं, पर ये कहते थे कि ठीक है हम वर्णा सिस्टम को अपोज नहीं करते और जितने भी लोग हैं वो लेकिन हमारे पास आ सकते हैं, हम बेसिकली इग्नोर करते हैं, ये वाली बात हो गई ना, इनमें कमेंट ही नहीं करेंगे हम, है ना। तो रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन का जो ईविल्स थे, बुराइयां थी, उनको हटाने की बात करते थे लेकिन कभी भी डायरेक्टली कंडेम नहीं किया कि वर्णा सिस्टम हट जाना चाहिए। जैसे मतलब इन्होंने वुमेन को आगे जो है थोड़ी सी मतलब नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, इन्होंने पीस और काइंडनेस इनकी जो है बातें करी। तो जैसे महावीर कहते थे कि कोई आदमी लोअर वर्णा में जन्मा है, हायर वर्णा में जन्मा है, डिपेंड करता है पिछला जन्म किसका था। तो इससे क्या सबूत मिलता है कि जैनिज्म जो है वो ये विश्वास करता है कि आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, और थ्योरी ऑफ कर्म है, जो कर्म आपने किया था उसका फल आप भुगतोगे। तो महावीर भगवान में विश्वास करते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में विश्वास करते थे, ऑफकोर्स सोल में तो करेंगे ही, थ्योरी ऑफ कर्म में विश्वास करते थे, वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया लेकिन उनकी बुराइयों को सुधारने का भरसक इन्होंने प्रयास किया। अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, दे एम्ड एट अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी कि कभी भी रिचुअल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी कि भाई तुमको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो सेक्रीफाइस, नहीं, तुम अपने आप जो है लिबरेशन की ओर बढ़ जाओगे एक बार तुमने तीन रास्तों पर चलना शुरू कर दिया तो, तीन प्रिंसिपल्स अपना लिए तो, और उनको मैं कहता हूँ KFC, KFC मतलब राइट नॉलेज राइट फेथ राइट एक्शन, ठीक है, नॉलेज सम्यक जनान, फेथ सम्यक दर्शन, एक्शन वाला सम्यक चरिता, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करोगे तो जरूर आपको जो है कैवल्य मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा। रिचुअल नहीं चाहिए, कोई सेक्रीफाइस, कोई आपको खास ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ब्राह्मणिज्म में जो था जो अश्वमेध वाजपेय ऐसे यज्ञ वगैरह नहीं करने पड़ते थे। पांच डॉक्ट्राइन इन्होंने दी, ठीक है, पांच बातें इन्होंने उनके सामने रखी कि इंसान को ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए। तो पांच चीज़ें इन्होंने अपनाने के लिए बोली, अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, अहिंसा, हिंसा मत करो। कहा जाता था कि अगर
तुमने जिंदगी भर नॉन वायलेंस अपनाई, नॉन इंजरी, यानी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि ये एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं, तो आपके सामने शेर भी खड़ा हो जाए तो वो भी आपके सामने झुक जाएगा। और कहा गया था कि वर्धमान महावीर के सामने तो शेर भी झुक जाते थे, तो इसीलिए कहा गया था ताकि अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ये भी एब्सोल्युटली कभी आज के टाइम पर तो सच नहीं हो सकता, लेकिन पालन करने के लिए बोला गया। अस्तेय चोरी मत करो, अपरिग्रह किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर मत करो, होर्डिंग मत करो, मतलब ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, शादी मत करो, ठीक है, दूर रहो, लड़के लड़की दूर रहो, ब्रह्मचर्य को अपना लो। स्प्लिट इन जेनिस में ये ध्यान रखिएगा, 5 डॉक्ट्राइन जेनिस में बट गया, मैंने कहा था कि फेमाइन आया, बाढ़ आई, तो कुछ लोग ठहर गए दृढ़ निश्चय करके, कुछ कर्नाटका चल गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो भद्रबाहु थे वो तो साउथ इंडिया की तरफ चले गए, कर्नाटक की तरफ, श्रवण बेगोला जो हिल्स है वहाँ पे, स्थूलभद्रा यहीं रह गए, स्थूलभद्रा यहाँ रह गए तो उन्होंने कुछ रूल चेंज कर दिए, पहले कपड़े नहीं पहनते थे, अब ये वाइट कपड़े पहनने लग गए, और जो कर्नाटक गए थे साउथ में, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने तो वहाँ पे तो क्या है, वॉलंटरी फास्ट रख के सल्ले खाना कहते हैं उसको, जैनिज्म में एक प्रथा होती है कि अगर किसी को मरना है तो वो क्या करता है कि वॉलंटरी फास्ट रख लेता है, यानी खाना कुछ भी नहीं खाता और वो अपने आप जो है चला जाता है। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, लेकिन जो भद्रबाहु थे साउथ इंडिया चले गए, वापस देखा उन्होंने, जो मॉन्क्स लौट के आए तो देखा कि जो लोग ठहर गए थे स्थूलभद्रा के साथ, उन्होंने अपना रूल चेंज कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया और वाइट कपड़े पहनने लग गए। तो जैनिज्म में दो भागों में बट गया, श्वेतंबरा और दिगंबरा, यानी जो रुक गए श्वेतंबर, जो चले गए थे साउथ में, दिगंबर, श्वेत का मतलब होता है वाइट और दिगंबर का मतलब होता है आसमान। तो श्वेत, कभी भी आप श्वेतंबर के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि श्वेत यानी सफ़ेद, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले वाइट क्लैड थे, उत्तर में रहते थे, नॉर्दर्न जो थे इंडिया में रहते थे, दिगंबर जो थे स्काई क्लैड थे, स्काई क्या होता है नंगा, तो ये क्या कहते हैं, बिना कपड़े के रहते थे, नेक्ड, और उनको साउदर्न भी कहते थे, दिगंबर, तो श्वेतंबर स्थूलभद्रा के अंडर आए, श्वेतंबर स्थूलभद्रा के अंडर आए और दिगंबर भद्रबाहु। अच्छा, जैनिज्म में काउंसिल है, काउंसिल क्यों होते थे भाई, क्या होता था कि उस टाइम तो देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म जब शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या लिखने के लिए कुछ नहीं था, बुद्धा ने अपना ज्ञान, कुछ बुद्धा में किताबें तो नहीं लिखी थी, महावीर ने किताबें तो नहीं लिखी थी, लेकिन उन्होंने क्या ज्ञान जो मुँह से देना शुरू किया उनके डिसिपल्स को याद रह गया, और उन्होंने काउंसिल्स इसलिए बनानी शुरू की ताकि उनको आने वाली जनरेशन के लिए रखा जा सके। तो पहला काउंसिल हुआ, दूसरा काउंसिल कब हुआ, वल्लभी में, पहला काउंसिल कब हुआ था, पाटलिपुत्र और वल्लभी। पाटलिपुत्र 3rd century में हुआ था और वल्लभी थोड़ा सा बहुत लेट हुआ था, ये 512 CE में हुआ था, ठीक है, सी मतलब आपका जो AD वो मान के चलेगा, ठीक है। तो पहला काउंसिल स्थूलभद्रा के अंडर हुआ था, ये याद रखिएगा, पहला काउंसिल स्थूलभद्रा के अंडर हुआ था, सेकंड काउंसिल को प्रेसाइड किसने किया था, देवर्धनी के अंडर हुआ था, और 12 अंगा की शुरुआत फर्स्ट काउंसिल से हो गई थी, लेकिन 12 अंगाज और उपंगाज सेकंड काउंसिल में आके कंप्लीट हो गए थे। किस किसने फॉलो किया, साउथ इंडिया में कदंबा था, गंगा था, अमोघ वर्षा, कुमारपाला, नॉर्दर्न इंडिया में बिंबिसारा, अजातशत्रु, के बारे में पढ़ने पड़ा है, हरिंग डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य आप पढ़ेंगे, सॉरी बिंबिसारा और अजातशत्रु जो है वो हरेंका डायनास्टी से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा अब हम पढ़ेंगे आगे, हर्षवर्धन भी आगे पढ़ेंगे, अमा, बिंदुसारा, खरवेला, ये सब जो है नॉर्थ इंडिया में पैट्रॉन थे। खरवेला की मैं बात करूँ तो खरवेला जो है वो उड़ीसा का किंग था, किंग खरवेला नाम सुना है ना, जिसने उदयगिरी खांडेगिरी केव्स बनाया था उड़ीसा में, तो जैनिज्म के लिए, जैन मॉन्क्स के लिए बनाया था, जिसमें हाथी गुम का इंस्क्रिप्शन, रानी गुम का इंस्क्रिप्शन निकल गया है, ठीक है। तो जैनिज्म में स्प्रेड कैसे हुआ, देखो पहली बात तो ये मैन और मैन दोनों आ सकते थे, जबकि अगर वेदास की मैं बात करूँ, अगर मैं ब्राह्मणिस की बात करूँ तो अर्ली वेदिकेट में तो फिर भी छूट थी, लेटर वेदिकेट तक आते आते वुमेन को जो है असेंबलीज अटेंड नहीं करने दी जाती थी, पुराण नहीं पढ़ने दिए जाते थे, जैनिज्म की तरफ एडमिट होने लग गई वुमेन। जैनिज्म ने खुद को हिंदुज्म से अलग मार्क नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ा उन्होंने, और वहाँ बढ़ा जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इनको पैट्रॉन किया ही, जैनिज्म तो फैला ही कर्नाटका में जाके, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर और पहला काउंसिलिंग के अंडर ही हुआ था। मगध फेमाइन आया, मैंने कहा किस तरीके से भद्रबाहु साउथ में चले गए, स्थूलभद्रा रुक गए, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, कलिंगा किंग और खरवेला फॉलो करते ही थे। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, देखो आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्होंने केव्स बनानी शुरू की, केव्स थी इनके, और हिंदू बुद्धिस्ट स्टाइल से बिल्कुल मिलती जुलती थी, ऐसा नहीं था अलग था, है ना, कि बिल्कुल अलग बना लिया, नहीं,
केव्स तो बुद्धिस्ट की भी थी, स्टैचू टेम्पल्स ठीक है ये था। तो केव्स में इलोरा केव्स, मांगीतुंगी केव्स, गजपत केव्स, उदयगिरी खांडीकिरी, मैंने जिसका नाम लिया हाथी गुम्फा के, वे उड़ीसा में ही है, उन्हीं केव्स के आसपास। सीतनसवक केव, ये बहुत याद रखना, ये न्यूज़ में था इस बार। गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू, ये शरवणग बेगोला हिल्स कर्नाटका में है, और ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु को लेके गए थे। स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ कहाँ पे, महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, गिरनार पालीटाला टेम्पल गुजरात, और मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र। ये चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होंगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल जैन लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।